मैं हूं बुशा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। टोरंटो में मुकीम तुर्क कम्युनिटी तुर्की में अपने लोगों की मदद के लिए मुतहरिक। मकामी तंजीमों ने आबाई मुल्क सामान भेजने के लिए फंड रेजिंग शुरू कर दी। कैनेडियन वजीर आजम का कहना है कि मुख्तसर मुद्दत में तुर्किया की मदद के लिए गौर कर रहे हैं। कैनेडियन वफाकी हुकूमत की देरीना मसला हल करने के लिए अहम पेशरफ़। सेहत के शोबे को फंड देने के लिए एक दहाई पर मुश्तमिल मंसूबा ज़ेरे गौर। कैनेडियन वजीर आजम का कहना है अपने लोगों की मदद के लिए सूबों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। रूस की यूक्रेन में पेशकदमी बाल्टिक रियासतों के लिए दर्द सर बन गई। नई ब्रिगेड्स की तश्कील कैनेडा बरतानिया और जर्मनी के लिए चैलेंज बन गई। कैनेडियन अस्करी हुकाम का कहना है हम बरतानिया और जर्मन्स के साथ शेड्यूल के मुताबिक काम कर रहे हैं। तुर्की और शाम में तबाह कुन जलजला अमवात 5,000 से मुतजावज। तुर्किया में जलजला कई घंटों बाद दो बच्चों को जिंदा निकाले जाने पर जज्बाती मनाजिर। तुर्किया के सदर का मुल्क भर में एक हफ्ते के शोक का ऐलान। कौमी परचम सरनगू रहेगा। भारतीय शहरी अमेरिका जाने के लिए गैर कानूनी तरीका इस्तेमाल करने लगे। गैर कानूनी तरीके से अमेरिका जाने वाले भारतीयों की तादाद में 100% इजाफा। अमेरिकी कस्टम एंड बॉर्डर पेट्रोल के मुताबिक गुज़िश्ता साल 63,927 भारतीयों ने गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में दाखिले की कोशिश की। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. टोरंटो में तुर्क कम्युनिटी तबाहकुन जलजले के बाद अपने प्यारों तक पहुंचने इमदाद भेजने के लिए जद्दोजहद कर रही है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। टोरंटो में तुर्क कम्युनिटी तबाहकुन जलजले के बाद अपने प्यारों तक पहुंचने इमदाद भेजने के लिए जद्दोजहद कर रही है, जबकि कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि कैनेडा तुर्की और शाम में आने वाले तबाहकुन जलजले के बाद मदद के लिए तैयार है। ट्रूडो ने कहा कि तुर्की और शाम की रिपोर्ट्स और तस्वीर तबाहकुन थी। कैनेडियन वजीर आजम का कहना था कि हुकूमत इस बात का तायुन करने की कोशिश कर रही है कि ये मुख्तसर मुद्दत में किस तरह बेहतरीन मदद कर सकती है, ये जानते हुए कि तवील मुद्दत के लिए भी मदद की ज़रूरत होगी क्योंकि कम्युनिटीज़ इस खौफनाक वाक़े से दोबारा तामीर होंगी। मुकामी तंजीमों ने आबाई मुल्क सामान भेजने के लिए फंड रेजिंग शुरू कर दी है। कैनेडा में मुकीम तुर्क शहरियों का कहना है कि तुर्किया में जलजले आम हैं, लेकिन जब उन्होंने घर वापस दोस्तों और कुंबे वालों तक पहुँचना शुरू किया और गिरने वाली इमारतों और ज़ख्मी लोगों के बारे में सुना तो उसे एहसास हुआ कि यह अलग है। वो उन लोगों के बारे में भी परेशान है जिनसे उन्होंने रابطہ करने की कोशिश की, जिन्होंने जवाब नहीं दिया। टोरंटो में मुकीम फेडरेशन ऑफ कैनेडियन टर्किश एसोसिएशन के नायब सदर बारिस कफादर ने कहा कि पिछले चंद घंटे बहुत मुश्किल रहे, बस अब भी अपने ख़ानदान के अफराद और सबसे रابطہ करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑनटेरियो के डिज़ास्टर रिलीफ चैरिटी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का कहना है कि दो टीमें तैनात करने पर काम कर रहे हैं, एक मलबे से ज़िंदा बच जाने वालों को ढूंढने और निकालने के लिए और दूसरी आर्जी रिहाइश, बैतुलखला, पानी और ख़ुराक जैसी ज़रूरी अशिया की तकसीम में मदद के लिए है। उनका कहना था कि बैनुल अक्वामी इमदाद हमेशा यकसा तौर पर तकसीम नहीं होती। वो कहते हैं कि अगरचे बैनुल अक्वामी इमदाद से तुर्की में जलजले के बाद बहाली की मौजूदा मुकामी सलाहियत को बढ़ाने में मदद मिलती है, लेकिन शाम के लिए ऐसा नहीं है। टोरंटो के बाशिंदे जो तुर्की और शाम में लोगों की मदद करने के ख्वाहां हैं वो चंदा दे सकते हैं,
रजाकाराना तौर पर या चंदा जमा करने वालों पर बात फैलाने में मदद कर सकते हैं। खैराती इदारों का कहना है कि उन्हें मदद के लिए बहुत से लोगों की कॉल्स मौसूल हो रही हैं। उन्हें उम्मीद है कि वो जल्द बड़ी इमदाद जमा कर सकेंगे। कनाडा की वफाकी हुकूमत सेहत की देखभाल के निज़ाम को फंड देने और इसमें इसलाहात के लिए एक दहाई तवील मनसूबा तजवीज़ कर रही है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा की वफाकी हुकूमत सेहत की देखभाल के निज़ाम को फंड देने और उसमें इसलाहात के लिए एक दहाई तवील मनसूबा तजवीज़ कर रही है। मीडिया रिपोर्ट में कैनेडियन वज़ीर आज़म की सूबों के प्रीमियर्स के साथ मुलाकात से मुतालिक कहा गया है कि वफाकी तजवीज़ अगले बजट के साथ ही नई रकम का बहाव देखेगी। इसमें कैनेडा हेल्थ ट्रांसफ़र में बोर्ड भर में मनसूबा बंद इजाफा और उनकी मखसूस ज़रूरियात से निमटने के लिए सूबों और खितों के साथ दो तरफा मुहायदों के लिए खातिर ख्वाह फंडिंग शामिल होगी। ज़राए का कहना है कि मुजवजा CHT में इजाफा और दो तरफा सेहत के मुहायदे हर एक 10 साल की मुद्दत के लिए चलेगा। सेहत की देखभाल की फंडिंग सूबों और वफाकी हुकूमत के दरमियान हमेशा से एक मुतनाज़ मौजू रहा है। पहले से तनाव वाले निज़ाम पर वबाई अमराज के असरात ने नए फंडिंग मुहायदे की ज़रूरत को मजीद फौरी बना दिया है। कैनेडियन वज़ीर आज़म का कहना था कि हम वहाँ मेज़ पर मजीद रकम डालेंगे, लेकिन ये यकीनी बनाना भी ज़रूरी है कि कैनेडा के लोगों के नताइज और नताइज पर तवज्जो मरकूज की जाए। ट्रूडो ने कहा कि उनकी हुकूमत आने वाले हफ्तों में सूबों के साथ मिलकर नए फंडिंग मुहायदे की तफसीलात को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगी और इस एतमाद का इजहार किया कि कैनेडा सेहत की देखभाल की फंडिंग को बढ़ाने का मुतहम्मिल हो सकता है। ट्रूडो ने कहा, इस फंडिंग में इजाफा होगा जो हम सूबों को सेहत की देखभाल के लिए भेज रहे हैं। कनाडा नेटो इत्तेहादी रूसी खतरे के खिलाफ बाल्टिक दिफा को मजबूत बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा नेटो इत्तेहादी रूसी खतरे के खिलाफ बाल्टिक दिफा को मजबूत बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि कनाडा के पास नई भर्तियों के बगैर होने का सहारा लिए बगैर तैनाती के लिए काफ़ी फौजी नहीं है। 3 बाल्टिक कनाडा, बरतानिया और जर्मनी ममालिक में नेटो की नाम निहार ट्रिप वायर अफवाज को मुकम्मल तौर पर टॉप अप फाइटिंग ब्रिगेड्स में तब्दील करना ऐसी किस्म जो रूसी हमले का मुकाबला कर सकती है उसमें शामिल अहम ममालिक के लिए एक चैलेंज साबित हो रही है। मैड्रिड में नेटो के आखिरी सरबराही इजलास में मगरबी फौजी इत्तेहाद के रहनुमाओं ने लिटोया, लिथुआनिया और एस्टोनिया में जंगी ग्रुपों को आलात की दस्तियाबी के लिहाज से 4,000 से 6,000 फौजियों के साथ मुकम्मल जंगी ब्रिगेड में तब्दील करने का हुक्म दिया। दो हालिया रिपोर्टों के मुताबिक वहाँ पहुँचना एक जद्दोजहद साबित हो रहा है। एक UK हाउस ऑफ कॉमन से, दूसरी वारसा में कायम बैन अल-अक़वामी उमूर के थिंक टैंक से, जून के नेटो सरबराही इजलास के बाद से सहाफ़ी कनाडा के सियासतदानों और फौजी हुकाम से पूछते रहे हैं कि लिटोया में कनाडा की क़यादत में ब्रिगेड कब बनेगी और ये कैसे होगा। उनके जवाबात मुभिम रहे हैं। सेंटर फॉर ईस्टर्न स्टडीज़ की रिपोर्ट के मुताबिक कैनेडियन हुकाम को एक और मसले का सामना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जारी सिफारती कोशिशों के बावजूद बाल्टिक रियासतों में से कोई भी इस पोजीशन में नहीं है कि मुस्तकबिल करीब में ऐसी अफवाज को तैनात करने के लिए ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम कर सकते हैं। तरबियती मैदान और बैरकों का बुनियादी ढांचा नाकाफी है और उसे नुमाया तौर पर तैयार करने की ज़रूरत है। कनाडा की वफाकी हुकूमत इस वक्त मुल्क की दिफाई पॉलिसी का सरेनौ जायजा ले रही है। इस अमल के हिस्से के तौर पर जिन चीज़ों पर बात की जा रही है उनमें से एक कनाडा की फ़ौज का मुनासिब हजम है। इस बात को देखते हुए कि हालिया बरसों में आलमी सलामती का माहौल किस तरह तब्दील हुआ है, कनाडा की फ़ौज के ऑपरेशनल कमांडर वाइस एडमिरल बॉब आचरलोनी ने कहा कि कनाडा अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर लिटोया में फोर्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हम बरतानिया और जर्मनों के साथ शेड्यूल के मुताबिक काम कर रहे हैं और हम लिटोया के साथ वहां पहुंचने के लिए दरकार मुतादित चीज़ों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर खित्ते में बहरान बढ़ता है तो इत्तेहादी इस बात को यकीनी बनाना चाहेंगे कि वहाँ फोर्सेस मौजूद हों, तहम मुस्तकबिल करीब में ऐसा कोई ख़तरा नहीं है। तबाहकुन 7.9 शिद्दत के जलजले से शाम और तुर्किया में 5,021 से ज़ायद अफराद जाबहक और हज़ारों अफराद ज़ख्मी हो गए, जबकि मलबे से लाशें और ज़ख्मियों को निकालने का सिलसिला दूसरे रोज़ भी जारी है। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। तबाहकुन 7.9 शिद्दत के जलजले से शाम और तुर्किया में 5,021 से ज़ायद अफराद जाबहक और हज़ारों अफराद ज़ख्मी हो गए, जबकि मलबे से लाशें और ज़ख्मियों को निकालने का सिलसिला दूसरे रोज़ भी जारी है। कमोबेश 1,000 से ज़ायद इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। आफ्टर शॉक्स का सिलसिला भी कई घंटों तक जारी रहा, जिसकी वजह से अमवात में मज़ीद इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। तुर्क सदर ने मुल्क भर में एक हफ्ते के शोक का ऐलान कर दिया।
तुर्किया में एक हफ्ते तक परचम सरंगू रहेगा। आखिरी इत्तला के मुताबिक अलमनाक जलजले के बायस तुर्किया में 3,419 और शाम में 1,602 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि हजारों अफराद जख्मी हैं। तुर्किया में रेस्क्यू टीमों ने दो बच्चों और खातून को जलजले से मुनहदिम होने वाली रिहायशी इमारतों के मलबे से जिंदा निकाल लिया। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने तुर्किया के सदर रजब तैयब अर्दोगान से टेलीफोन पर राबता करके जलजले से मुतासर खानदानों और बरदर आवाम से इजहार ताज़ियत किया। उन्होंने तुर्किया में जलजले के जख्मियों के लिए फौरी सेहत याबी की दुआ करते हुए कहा कि सऊदी अरब तुर्किया के साथ खड़ा है। जलजले से कहरमान, उस्मानिया, मलातिया, दरियाबकर समेत 10 शहर ज्यादा मुतासर हुए। जलजले के झटके कब्रस, यूनान, उर्दन, लबनान, जॉर्जिया और आर्मीनिया में भी महसूस किए गए। वाजे रहे कि तुर्किया में 1939 में भी 7.8 शिद्दत का जलजला आया था, जिसमें 30,000 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए थे। तुर्किया में 25 साल के दौरान 7 या इससे ज्यादा शिद्दत के साथ जलजले आए। तुर्किया में जलजले के बाद मुल्क भर में स्कूल बंद रखने का ऐलान किया गया। तुर्क वजारत तालीम का कहना है मुल्क भर में तमाम स्कूल 13 फरवरी तक बंद रहेंगे। बगैर वीजे के गैर कानूनी तौर पर अमरीका जाने वाले भारतीयों की तादाद में गैर मामूली इजाफा देखने में आया है और 2022 में इसमें 100% इजाफा हुआ है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। बगैर वीजे के गैर कानूनी तौर पर अमरीका जाने वाले भारतीयों की तादाद में गैर मामूली इजाफा देखने में आया है और 2022 में इसमें 100% इजाफा हुआ है। अमरीकी कस्टम एंड बॉर्डर पेट्रोल के आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता साल 2022 में गैर कानूनी तौर पर अमरीका में दाखिल होने की कोशिश करने वाले भारतीय बाशिंदों की तादाद 63,927 थी, जो 2021 के मुकाबले में दुगनी थी। भारत का शुमार भी उन ममालिक में होता है जिसके शहरियों की बैरून मुल्क जाने में पहली तरजीह अमरीका है। इसके लिए भारतीय शहरी भी गैर कानूनी चैनल इस्तेमाल कर रहे हैं और बग़ैर वीज़े के अमरीकी सरहद पर पहुँचने वालों की तादाद में 2022 में गुज़िश्ता साल के नस्बत नुमाया इजाफा देखने में आया। अमरीका में बसना और ग्रीन कार्ड का हुसूल दुनिया की बड़ी आबादी के लिए पुरकशिश ख्वाब की हैसियत रखता है, जिसकी ताबीर पाने के लिए हर खत्ते से शहरी अमरीका की जानब रुख करते हैं। जो कानूनी तरीके से अमरीका पहुँचने में नाकाम रहते हैं, वो अपने ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए गैर कानूनी तरीके भी इस्तेमाल करते हैं। अमरीका के माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2021 से सितंबर 2022 तक अमरीकी सरहदी हुकाम ने 18,300 मरतबा भारतीय तारिकीन वतन को अमरीकी जुनूबी सरहद पर मुल्क में दाखिल होने से रोका। यहाँ ये बताते चलें कि अमरीका की जुनूबी सरहद, जो मैक्सिको के साथ मिलती है, पनाह के मतलाशियों की आमद का सबसे मरकजी मुकाम है। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।